जम्मू कश्मीर में एक लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। करीब 10 सालों के बाद जिन लोगों को विधानसभा चुनाव का इंतज़ार था वो बिल्कुल आज इसका जो है वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे लोग जो है, विशेषकर अगर हम कहीं दक्षिणी कश्मीर में, जहाँ पे अभी 4 ज़िलों में मतदान हो रहा है और ये पहले चरण के तहत जो है 7 ज़िलों में चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वहीं पर अगर दक्षिणी कश्मीर के 4 ज़िलों की बात करें तो कुल मिलाकर इस पहले चरण में 24 लाख वोटर हैं और 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें वोट पड़ने जा रहे हैं। बता दें आपको कि 10 साल के अंतराल के बाद जोश भी है और ज़रूरत भी थी इस चुनाव की, तो लोगों से इन जानना चाहेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना उत्साह है। आप ये बताइए कितने वक्त से आप चाहते थे कि चुनाव हो या इलेक्शन हो जाए, क्या हो जाए ये, कितने, क्योंकि ये इंतखाबात जो थे वो हाँ, नहीं हो रहे थे, कितना हाँ, चाहत थी आपकी? हाँ, बहुत चाहते हैं, काफ़ी चाहते हैं तमाम लोगों को, सारे आवाम को। आप ये बताइए, यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी 10 सालों में, यहाँ पे 10 सालों में कोई सरकार नहीं थी, आप सरकार चुनने जा रहे हैं, तो कितना कितना शौक है आपको वोट डालने का? बहुत शौक है। तो यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है, आप अपने उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पे? यहाँ तो बहुत मुद्दे हैं, यहाँ तो बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ तो यहाँ से ये पावर का मुद्दा है, यहाँ तो बहुत मुद्दा है। आपको लगता है कि जो सरकार आएगी ये मुद्दे नहीं लगता है? अगर अच्छा लीडर आएगा इंशाल्लाह करेगा हमारा काम, क्यों नहीं करेगा। कुछ और से बात करना चाहेंगे यहाँ पे, आप ये बताइए जो आप यहाँ पे सुबह से ही लाइन में खड़े हैं, आप बताइए कितना शौक था और ज़रूरत थी? बहुत ज़रूरत थी, हाँ बहुत ज़रूरत थी, शौक भी बड़ा था। ये हमारे पावर जो है, हमें 2000 फीस पड़ता है, पावर नहीं आता है, हाँ चावल है 4 किलो देते हैं एक बंदे को, कैसे पलता है 4 किलो पे एक बंदा, वो नहीं पल सकता है, इसीलिए हम वोट डाल रहे हैं। आपको लगता है जो आपका उम्मीदवार आएगा ये समस्याएं दूर करेगा? इंशाल्लाह हमारी समस्याएं यही दूर करेगा। तो आप बताइए, सुबह से ही है आप यहाँ पे, तो कुछ और से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप ये बताइए, यहाँ पे जो है 10 सालों से जो है इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो कितनी ज़रूरत थी इलेक्शंस की और क्या क्या मुद्दे हैं अगर हम यहाँ पे बात करें तो? जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, यहाँ पर इस वक्त 90 सीट्स पर ये इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है। पहले मरहले में 24 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें हमने बढ़ा दिया है 3 सीटों, तो ये जरिए है, ये एक पिलर है इसकी डेवलपमेंट का, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का, है ना, डेमोक्रेसी, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यही डेमोक्रेसी का असली वक्त। तो पहला जो है उसका ये मुद्दे जो होता है वो लोगों की बहबूदी होते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार होती है, उनकी मांगे होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रास है, उसको मतलब ये उसका खात्मा करना है, उनको रोज़गार मुहैया करना है, कोई वाटर फैसिलिटी हो या कोई भी मतलब डेवलपमेंटल प्रोसेस हो सोसाइटी में, गांव में कोई भी मुद्दा हो, तो वो नुमाइंदों के ज़रिए हम गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं, है ना। जब हमको लगता है जो आपके नुमाइंदे जिनको आप चुनने जा रहे हैं वो आपके इन समस्याओं को आगे बढ़ाएंगे, वो समस्याएं ख़त्म करेंगे आगे चलकर? आपको और हमें उम्मीद है कि जो हम नुमाइंदे चुनने जा रहे हैं ना, तो ज़रूरी है उनको हमारी बात आगे तक पहुंचानी होगी, यानी हमारे क्या मुद्दा हैं, यही अनएम्प्लॉयमेंट है या ये जो है बाकी आपको मालूम है क्या क्या यहाँ पर है ना, एक स्पेशल है, तो उनको ये करना है। तो आपको लगता है कि 10 सालों के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं तो जो वोटिंग परसेंटेज होगी वो भी ज़्यादा होगी क्योंकि लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं? ऑफकोर्स, ओके। तो जहाँ तक कि उस इलेक्शन प्रोसेस का ताल्लुक है, तो 10 साल के बाद तो मेरे ख्याल से आप देखते हैं लोग जोक दर जोक उसमें हिस्सा ले रहे हैं पुल का प्रास में, उससे पहले लोगों को लाना पड़ता है ये करो वो करो, लेकिन आजकल खुद देखते हैं आप कैसा है या माहौल क्या है ना, बहुत ही गहमा गहमी है, चहल पहल है, तो विश्वास है लोगों में कि हमारे नुमाइंदे जो हैं जो हम चुने जा रहे हैं तो हमारी बात को करेंगे, वो हमारी मसाइल को हल करेंगे। तो कुल मिलाकर मतदाताओं का यही कहना है कि 10 सालों तक वो इस समय का इंतज़ार कर रहे थे कि वो अपनी सरकार चुने, क्योंकि काफ़ी समस्याएं उनकी हैं और जो उनके अनुसार सुनी नहीं जा रही थी उनकी समस्याएं, अब उनके उम्मीदवार द्वारा जो है वो सुनी जाएगी और आगे बढ़ाकर उनका हल किया जाएगा। कैमरामैन गुलशन नवाज़ के साथ मेरा जमा, TV9 भारतवर्ष, पुलवामा।